हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। पतंजलि गुरुकुलम शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक पदों पर भी वैकेंसी आई है और गैर शैक्षिक पदों पर भी वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट पोस्ट रहने वाली है और सबसे बड़ी बात जो है, ये आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है, काफी टाइम से जो है ये चल रहे हैं। तो यहाँ आवास भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, वेतन के साथ में जो है आप लोगों को आवास भी यहाँ मिलेगा। कोई भी फीस जो है यहाँ पर नहीं लगेगी। एप्लीकेशन करते समय निशुल्क आवेदन करना होगा। 12th पास स्टूडेंट भी जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डीएलएड बीएड किया है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और केवल 12th पास स्टूडेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पतंजलि गुरुकुलम प्री नर्सरी टू 12th क्लास के लिए यहाँ पर टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। कैसे अप्लाई करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझते चलिएगा। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर चले आना है, पतंजलि गुरुकुलम। आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, बिल्कुल आप यहां आवेदन कर सकते हैं। तो आवासीय विद्यालय ये अभी का नहीं है, काफी समय से जो है ये विद्यालय चल रहे हैं। तो आप लोगों को आवेदन करने के लिए यहां रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आएगा और उसके नीचे लिखा है टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो ये जो है विज्ञापन है, पहले जो है न्यूज़पेपर में भी जो है पब्लिश हो गया था, बट मेन वेबसाइट पर अब आ गया है। तो बिल्कुल आप लोग यहां पर ही जो है सारी चीजें समझें, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पतंजलि गुरुकुलम प्री नर्सरी टू 12th, सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, संस्कृत, पीआरटी में संस्कृत है एंड टीजीटी टीचर्स के लिए संस्कृत है, कंप्यूटर, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, भरतनाट्यम, डांस, फ्लूट, वोकल एंड हारमोनियम, तबला, गिटार। स्पोर्ट्स की वैकेंसी है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एकेडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैन कम्प्लीटली लीड द एकेडमिक पार्ट अप टू 10th क्लास, 10वीं क्लास तक का जो है सारी चीज़ें आपको वॉच करनी होगी, देखनी होगी, ठीक है। कोई भी समस्या है उसका समाधान करना होगा, टाइम टेबल वगैरह सेट करना होगा, ये ही काम रहेगा इनका। जूनियर विंग अकेडमिक कोऑर्डिनेटर की है और सीनियर विंग अकेडमिक कोऑर्डिनेटर की है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप साइड में ही देखेंगे हिंदी में भी जो है कम्प्लीट विज्ञापन दिया है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को जो है हिंदी सुटेबल है तो आप हिंदी में ही देंगे, ठीक है। इंग्लिश से आप बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बावजूद जो है हिंदी में इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, ठीक है। तो नोट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या जो है यहाँ पर आवश्यकता है देख लेते हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का है पीआरटी के लिए जो है डीलेट के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ में बीएड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है यहां पर आवश्यक अनुभव न्यूनतम 5 वर्ष का, कम से कम 5 साल का जो है अनुभव होना चाहिए अगर आप पीआरटी में या टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं। वेतन 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन वेबसाइट पर आना है और इस पर जो है अपना क्या करवाना है, पंजीकरण करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। बाकी फॉर्म भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पंजीकरण करने की जो लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर 2023 रहेगी। शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवार को नेक्स्ट डे, यानी ज्यादा समय नहीं लेंगे, 30 दिसंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद जो है 31 दिसंबर तक जो है आपके पास मेल या टेलीफोन आ जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी। आपको अगर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है तो सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। एक बार जो है ऑनलाइन इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड होने के बाद जो है फिर आपको ये बुलाएंगे ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए और आपका होगा डेमो। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम देख लेते हैं कैसे यहाँ पर जो है आप लोग अप्लाई करेंगे। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में टीचिंग पर क्लिक करेंगे आप लोग, ये पेज जो है आपके सामने आएगा, यहाँ पर ऊपर ही लिखा है अप्लाई फॉर जॉब। व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पर आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए जो है विज्ञापन होगा जिसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था, ठीक है। दोबारा भी जो है पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि किसी का नाम जो है रेनू है तो रेनू लिखेगी और यहाँ पर जो है अपना सरनेम, या फिर कुमारी लगाती हैं तो कुमारी, ठीक है। ईमेल एड्रेस जरूर डालें, फोन नंबर जरूर लिखना है, व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि यही दो है तरीके हैं जिससे ये आप लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है,
अपनी जो है उम्र यहाँ लिख देंगे, 36, 32, 31, 30 जो भी है एज यहाँ पर। क्वालिफिकेशन लिख देंगे कि लास्ट की जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने एमएससी बीएड किया है या आपने बीए बीएड किया है, ठीक है, जो भी किया है आप यहाँ लिखेंगे लास्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर मैरिड मैरिटल स्टेटस यानी आप जो है मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिमार्क्स इफ एनी, तो यहाँ पर आप जो हैं क्यों यहाँ पर जाना चाहते हैं, कुछ भी जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है या फिर जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर पढ़ाने का, आपको मौका मिल रहा है, ये चीज़ें आप जो हैं एक लाइन इंग्लिश में लिख देंगे। अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, तो आप इस पर जो है चूज कर लेंगे कि आप टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीआरटी संस्कृत के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो है अपलोड योर रिज्यूम, तो यहाँ चूज फाइल पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक्सपीरियंस तो चाहिए। उसके बाद लास्ट में क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, बस इतना ही करना है। कोई भी फीस वगैरह आप लोगों की यहाँ पर नहीं लग रही है। तो शैक्षिक पदों पर जो वैकेंसी थी उसके बारे में हमने बिल्कुल जानकारी दी आप लोगों को अच्छे तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपके किसी फ्रेंड्स का सब्जेक्ट है, रिलेशन में किसी का सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल उन लोगों को जो है वो बेनिफिट हो सके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लग रही है आवेदन के समय।